बिल्कुल, इसके लिए मैं अपने हर एक प्रदेशवासी को बधाई देती हूँ कि एक बहुत बड़ी साजिश आप लोगों ने नाकाम कर दी मिलकर के, विशेष तौर पर जाट भाइयों का। उन्होंने इतनी समझदारी दिखाते हुए जो एक प्रोपेगेंडा था भाई को भाई से लड़ाने का, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का, वो जाट समुदाय ने सबसे पहले आकर के बोला कि हम इस लड़ाई में तुम्हारे साथ नहीं हैं और हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं इसमें कौन दोषी है। यात्राएं पहले भी निकलती रही और आगे भी निकलती रहेंगी, हम उनका स्वागत भी करेंगे, पहले भी करते आए हैं। आप एक वीडियो देखेंगी कि रामनवमी के दिन लोग मस्जिद के बराबर से गली से यात्रा निकल रही है, रामनवमी पे जो जुलूस निकलता है और ऊपर से लोग फूल बरसा रहे हैं, ऐसा है मेरा मेवात। आप अगर जाके देखेंगी तो वहाँ आज भी जो वहाँ की मार्केट है, कस्बा है, पिनंगवा है, पुनाना है, फिरोजपुर झिरका है, नू 80% से, मैं कह सकती हूँ दावे के साथ कि 80% से 90% के बीच में आज हमारे हिंदू भाई कारोबार करते हैं, सारी दुकानें उनकी हैं और हम उनसे सामान खरीदते हैं। इनफैक्ट यहाँ तक कि अगर किसी मुस्लिम ने, किसी मेव कम्युनिटी के लोग ने दुकान खोली हुई है तो हम उस पर ज़्यादा मतलब ना जा करके हम अपने पुराने जो हमारे भाई है शॉपकीपर, हम उनसे जा करके सामान खरीदते हैं। आप देखिए, अगर हम इतने बुरे होते और इतना सब जहर घोला गया तो क्या मेवात के लोग बायकॉट नहीं करते? आप वहाँ आज तक आपको मेवात के अंदर एक घटना आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि वहाँ किसी नॉन मुस्लिम भाई की लिंचिंग हुई हो। मैं आपको ये सिर्फ ऐसे ही गलबैया नहीं कर रही हूँ, एक फालतू की बात, आप तथ्य उठाकर देख सकती हैं। आज तक किसी एक हिंदू भाई की कोई लिंचिंग नहीं हुई है वहाँ। इस तरह से ये कहते हैं ना कि हिंदू खतरे में है, वहाँ आपको हिंदू खतरे में मिल सकता है जहाँ हिंदू हिंदू है कि भाई वहाँ दलित के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन मेवात में आपको कभी ऐसा कोई किस्सा नहीं देखने को मिलेगा कि किसी दलित को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा हो, या किसी दलित को कोई प्रोग्राम करने से रोका जा रहा हो, बेटियां पढ़ने से रोका जा रहा हो या सताया जा रहा हो। आपको एक भी एक्टिविटी ऐसी, तथ्य आपको मेवात में पूरे इतिहास में कहीं आपको इस तरह का कोई इतिहास नहीं दिखाई देगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन और सामईन, अज़ीज़ साथियों और मेरी बहनों, यूँ तो न जाने हम सोशल मीडिया पर कितनी ख़बरें सुनते रहते हैं, लेकिन हकीकत जो है वो हमारे सामने कम आया करती है, इसलिए कि हकीकत दिखाने वाले, सही और सच्ची खबर दिखाने वाले बहुत ज़्यादा कम हुआ करते हैं। लेकिन जब सच सामने आता है तो फिर वो फैलता भी बहुत ज़्यादा है। आप इस ख़बर को सुनिए, और आपने इस बहन की वीडियो को भी देखा कि किस तरह से ये आपको वहाँ की रुदात सुना रही है, मेवात में किस तरह से दंगाइयों ने जुल्म व बर्बरियत के पहाड़ तोड़े, मुसलमानों पर जुल्म किया, घरों को जो है बिल्डोज़र से गिरा दिया गया। क्यों? इसलिए कि वो मुस्लिम थे, एक समुदाय को लेकर के, एक मज़हब के मानने वाले को लेकर के न जाने हमारी हुकूमत क्या चाहती है। लेकिन मेरे दोस्तों, आप इस बहन की वीडियो को सुनिए, बार बार सुनिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हकीकत हमारे सामने आए। देखिए, ये बहन इस वीडियो के अंदर ख़ुद बतला रही है कि जो हिंसा वहाँ मेवात के अंदर, नूह मेवात के अंदर हुई है, वहाँ जाट भाइयों ने हमारे किस तरह से मुसलमानों का साथ दिया है। ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान बुरा होता है, बल्कि मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, इस दुनिया के अंदर न जाने कितने इंसान रहते हैं, लेकिन उनमें जिस तरह से बुरे लोग हुआ करते हैं, इसी तरह से उनमें कुछ अच्छे भी हुआ करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम तबके को लेकर के सारी ही दुनिया, सारे मज़ाहिब के लोग, मानने वाले इनके मुखालिफ हो, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुछ लोगों को मुसलमानों के साथ खड़ा करता है, जैसा कि जाट भाई वहाँ सामने आए हैं और उन्होंने खुल करके मुसलमानों का साथ दिया है। ये बहन खुद बतला रही है कि हुकूमत मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंग किस तरह से उन्होंने अपनी गुंडाई दिखाई, दंगाइयों ने किस तरह से वहाँ दंगा मचाया है, ये बहन खुद बता रही है। आप इस वीडियो को ज़रा सुनिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।